आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने वाले वीडियो के मामले में अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वायरल वीडियो में जाति सूचक शब्दों के साथ युवक ने अपने आप को इटावा का रहने वाला बताया है। सोशल साइट पर युवक द्वारा अपलोड की गई विवादित और बद्दी गालियों से लैस वीडियो ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा कर रख दिया है। फेसबुक अकाउंट पर अपलोड की गई वीडियो में युवक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी है। वायरल वीडियो में युवक साफ तौर पर बोल रहा है कि यदि सीएम योगी की सुरक्षा हटा ली जाए तो वह योगी को गोलियों से भूंदेगा। वहीं आरोपी युवक ने वीडियो में जाति विशेष पर गालियों की बौछार करने के साथ अपने पास असला होने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, आरोपी युवक वायरल वीडियो में चीख चीख कर अपने आप को इटावा का रहने वाला बता रहा है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो पुलिस और योगी राजमणि तिवारी को जेल भेजकर दिखाए। मामले में अलीगढ़ के थाना दहली गेट के रहने वाले विनोद पांडे ने थाना बन्ना देवी में आरोपी युवक राजमणि तिवारी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। अब देखना होगा आरोपी युवक को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। एक अशोभनीय टिप्पणी के संबंध में विनोद पांडे जी द्वारा तहरीर दी गई थी, तो उसी के संबंध में जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत थाना बन्ना देवी में जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।